करो, तुम भी सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और अपने आमाल में रखे, माला माल रखे। आमीन सुमा आमीन। तो फाइनली हमने डीमार्ट की क्या शॉपिंग की है, ग्रोसरी शॉपिंग डीमार्ट की, जो कि स्पेशल रमजान के लिए की गई है। तो वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ, ज्यादा कुछ बोलूंगी। इनकी सामान माशाल्लाह से है, फिर वीडियो में उतनी जगह नहीं होती, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर मुझे एडिट कर करके परेशानी होती है। तो मैं शुरू करती हूँ मीठे से, ठीक है? तो सबसे पहले क्या बताओ तुम्हारी चीज? हलवा। तो ये हमने रसमलाई ली है, कितनी है ये दानू जी? आधा किलो। आधा ना, तो सबसे पहले रसमलाई ली हमने आधा किलो, उसके बाद ये बादाम हलवा, ये तो पता है आप लोग को, ये भी आधा किलो। और एक साइड में क्या बताओ, मैं समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ना सामान ये देखो इस तरीके से सब निकाल के ले लिया है, लेकिन अभी बताना भी जरूरी है। मेरे ख्याल से मैं डायरेक्ट वीडियो ऐसे ही करके ना सब बताऊंगी, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैंने एक कांच का ग्लास ले लिया। डीमार्ट में बहुत सारी वैरायटी थी, लेकिन रहा नहीं गया मुझे बर्तन वगैरह सब कुछ, तो मैंने एक कांच का एक जग ले ही लिया। वैसे तो मेरे पास तीन तीन जग है, आप लोग ने देख लिया है कि मेरे पास कांच का खजाना है। ये आइसक्रीम लिया और ये श्रीखंड लिया, ये बटर, सॉरी ये चीज़ है, ये बटर है, और हमने दही लिया है, पता नहीं फर्स्ट टाइम लाया है, और ये है कोकम शरबत, विम, देखो कितना बड़ा विम लिया है, और ये डीमार्ट से दो नारियल लाए हैं, और ये एक सेवैया का भुना हुआ पैकेट है, और ये वाइट है वो जो भुना हुआ नहीं है। और इस बार हमने डीमार्ट से 5 किलो चावल भी लिए है, इस बार ले लिए क्योंकि कम लेने के थे ना, 5 ही किलो लेने के थे, तो हमें वाड़ा कोलम 60 रुपये से मिला है। और 2 किलो सफ़ेद वटाना, 1 किलो काला चना, बाकी ये सब दालें लाई है, 1 किलो शेंगदाने सिर्फ आधा किलो, और नमक, बिस्किट, ये सब आप सब सामान देख लो, मैं हर चीज़ बताऊंगी नहीं, वीडियो घुमा रही हूँ उसी पर रहो। बाकी ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं बताती हूँ थोड़े टाइम से आप लोगों को। तो मैंने सोचा कम से कम एक वीडियो ही ले लूँ कि मैंने रमज़ान का क्या सामान लिया है। 1 मिनट, ये रसमलाई है, ये बॉर्बन, बादाम, ड्राई फ्रूट में मैंने सिर्फ थोड़ा सा आधा किलो खजूर, आधा किलो बादाम लिए क्योंकि आप लोग ने देखा है हम जो अभी डीमार्ट सॉरी मीरा रोड गए थे तो आप देखा था ना, हमने सारे ड्राई फ्रूट लाए हैं। तो इस तरीके से, और ये सारे खड़े मसाले, ये ब्रेड, ये पिज़्ज़ा के रोटी लिए 4, जो कि 1 में 2 आते हैं, तो 2 पैकेट हमने लिए। बाकी ये सारी चीज़ें हमने कुछ कुछ है जो कि नई ट्राई की है देखने के हिसाब से। ये गुड़ हो गया 4 किलो, और ये इस तरीके से सामान है, ये सब आप लोग देख लो। अरे इस तरीके से सामान, और क्या बताऊँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सामान कैसे बताऊँ, कि ये इतना खजाना कैसे बताऊँ मैं एक एक करके, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे लगा के रखती हूँ और फिर ये खजाना बता देती हूँ कि ये माशाल्लाह हमने डीमार्ट की ग्रोसरी, हाँ डीमार्ट ग्रोसरी हमने इतनी सारी ली है। तो इस तरीके से कैसा लग रहा है, आप लोग इसको पोस्ट करके मतलब वीडियो को रोक रोक के देखो कि मैंने सामान क्या क्या लिया है। और ये देखो ये चाइनीज के वगैरह वो सब बॉटल हर चीज है। दानिश बोल रहे कि मैं एक छोटा सा स्टोर खोल सकती हूँ मैं। इतना सामान है माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी आप लोग सोचेंगे कि मैंने वीडियो मतलब सामान ऐसे क्यों सब बताया, उसकी वजह बताती हूँ। मुझे देखो बाकायदा दम लग चुका है और मैं खड़ी नहीं रह पा रही हूँ, मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है। आधे घंटे से बैठी है वो, सामान बता रही है, एक एक चीज का नाम लेके बता रही है, तो उसका टाइमिंग हो गया ज्यादा। हाँ वीडियो इतनी बड़ी हो गई कि उसके 2 पार्ट बनेंगे, क्योंकि माशाल्लाह से मेरा सामान इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा कि 2 वीडियो बनेंगे, शायद 2 से भी ज्यादा हो जाए। तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन अल्लाह के करम से उसने वो हर चीज लाई है जो अपने को रमजान में जरूरी है। आप लोग देखो ना पोस्ट करके मतलब वीडियो को रोक रोक के सब देखो, हर चीज मैंने आपको डिटेल में दिखा दी है, नाम नहीं दिखा सकती अब मैं, थक गई। एक हिसाब से मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि कम से कम रमजान भर मेरे को रात में किधर जाने की जरूरत नहीं।
ये लाने का वो लाने का कुछ नहीं, सब दानू जी ऐसा कभी नहीं करते क्योंकि अपन अब हर साल रमजान का सामान करते हैं। रमजान का ही नहीं, वो उनको पता है कि अपन हमेशा लाए ना, जरा एकदम और अच्छे से लाया उसे ताकि अपने को जाना नहीं पड़े बार बार। मतलब चीजें एकदम याद रख के लाई नहीं, वो बोल हाँ। और कुछ कुछ चीजें नई भी लाई, जैसे कि हम ये नहीं लाते कभी भी, वो शरबत कौन सा, रूह अफ़ज़ा हम लोग नहीं इतना लाते हैं, लेकिन इस बार मैंने रूह अफ़ज़ा भी लिया। और हमेशा हम लोग ना नींबू शरबत या तो फिर कोकम शरबत, ये ही दो पसंद करते हैं, तो इस बार मैंने कोकम का भी एक ही डिब्बा लिया, एक डिब्बा नहीं लिया, दो डब्बे लेती हूँ मतलब हमेशा, लेकिन इस बार एक ही लिया। और एक चावल डीमार्ट से, हम लोग जब मीरा रोड पे थे ना तो हम लोग हमेशा डीमार्ट से ही चावल लेते थे, वाड़ा कोलम डीमार्ट में बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन जब मीरा रोड छोड़ा तो उसके बाद हमने डीमार्ट में से चावल लेना ही बंद किया। हालांकि चावल मीरा रोड से ही आते थे, चावल क्या मेरे घर में तो टमाटर भी मीरा रोड से आते थे सबको पता है तो, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि डीमार्ट से नहीं, तो फिर इस बार हमने ना मतलब चावल है, क्योंकि हम लोग चावल कभी 5 किलो 10 किलो ऐसे नहीं लाते, हम 25 किलो का जो गट्टा आता है ना वही लाते, और हम लोग ज्यादा चावल खाते भी नहीं है, तो इस बार ना हमने सोचा कि सब डाले वगैरह सब ले रहे थे तो वाड़ा कोलम देखा तो पहले की याद आई तो हम लोग ने बात की, तो हमने सोचा कि चलो 5 किलो ले लेते, तो 60 रुपये किलो से हमें वाड़ा कोलम मिला यहाँ पे डीमार्ट में। अगर आप लोग अगर महंगा लेते होंगे तो डीमार्ट से वाड़ा कोलम 60 रुपये में मिल रहा है। और दूसरी बात, वो भी पुराना, हाँ पुराना बहुत अच्छा है, अभी पकाएंगे तो पता चलेगा। और बाकी सब जो भी है सामान, माशाल्लाह 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 सामान है। अभी सबसे बड़ी बात है इसको लगाना, अभी इसको लगाने के लिए हालत खराब होने वाली है, और अभी अच्छी खासी रात का टाइम है, क्योंकि जैसे ही आए तो मैंने सोचा सामान का वीडियो बना देती हूँ, फिर सामान सुबह वगैरह लगते रहेगा, क्योंकि सुबह भी आप लोग देखोगे इसके बाद का वीडियो, अच्छा खासा हमें काम है, हमें और एक नए मार्केट जाना है कुछ और लेने के लिए, क्योंकि रमजान में सिर्फ ग्रोसरी शॉपिंग नहीं होती है, बहुत सारी चीज लगती है जो कि सिर्फ डीमार्ट जैसे मॉल में नहीं मिलता है, बाहर दूसरे मार्केट में जाना पड़ता है, तो वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा। अभी मेरे को इसको लगाना भी है, तो अभी देखती हूँ मैं अभी लगाऊंगी या सुबह करूंगी, कैसे क्या जो भी है एडजस्ट करके कर लेंगे। और बहुत अच्छा लगा, और डीमार्ट में कितना टाइम गया, ये वीडियो देखेंगे तो ये मेरा वीडियो मतलब बाय 20 तारीख ना, कल 21 ना, हाँ 20 तारीख का ये वीडियो हमारा बन रहा है, तो उस तरह से सब कुछ है। लेकिन मेरे वीडियो बहुत लेट आ रहे हैं तो आप लोग टेंशन मत लो, मैं कवर कर लूंगी, क्योंकि अभी शिफ्टिंग के चक्कर में ये सब में तो मेरा ये सब होना ही था ना डेली, तो उसको क्या कर सकते अभी लेट हो गया तो इसके लिए। लेकिन जो भी अभी जैसा भी आप लोग समझ के ले लो, और चीजों की फिर भी देखनी है तो वीडियो को ऐसा रोक के ना आप लोग पता पूरा मतलब देख सकते हो कौन सी कंपनी का क्या है, कौन सी चीज है, कैसी है, क्या है, टोटल देख सकते हो। तो अभी इसको ज्यादा बड़ा नहीं करूंगी, अभी देखूंगी मैं चेक करूंगी वीडियो कितना बनाए, नहीं तो थोड़ा बहुत मैं आपको भी ये सब कुछ लगाना भी है ये करके ना, फिर मैं उस हिसाब से इसमें बता दूंगी। तो अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज। ये टिश्यू का खजाना देखो, टिश्यू पेपर और ये रोल है जिसके अंदर 4 रोल है, इतने टिश्यू पेपर किसी को नहीं लगते होंगे जितने हमारे घर में टिश्यू पेपर लगते है, क्या करे। तो ये दानिश ने अंडे भी ला दिए 2 डजन, रमजान में टेंशन नहीं, खजाना लगना स्टार्ट हो गया है, क्या हालत में है और बाकी ऊपर सब खाली कर दिया है मैंने, और ये देखो कितना मस्त है ना, अभी फटाफट इसको भर देते हैं, देखो सब सब कुछ लगना स्टार्ट है। रमजान के हिसाब से मैंने ये जार तैयार किए, एक में खारी, एक में खजूर एकदम सूखा वाला खजूर, और ये बन जार खाली है जो मैं अभी करती हूँ बताती हूँ क्या। ये देखो इसको ना मैंने धो के ना सुखाने के लिए रखे थे, तो अभी ये सूख गए हैं, अभी मैं इसको वो बर्नी में भर दूंगी, थोड़े से और सूखने चाहिए मेरे ख्याल से, तो इसको कोई भी ड्राई फ्रूट ना सूखा मतलब धो के लेने का, धो के वो सुखाने का, ये थोड़ा मैं और सुखाऊंगी उसके बाद मैं भरूंगी मतलब। तो ऐसे ये 3 जार मेरे तैयार हो जाएंगे, इस तरह से एक ट्रे में रख दूंगी मैं, और बाकी सामान लग के हो चुका है, ये देखो माशाल्लाह। कुछ कुछ चीजें बची हैं क्योंकि एक साथ कितना करूँ ना, ये देखो ये देखो अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरीके से अभी और सामान थोड़ा बाकी है तो वो दिन में होते जाएगा। ये देखो अभी इतना पसारा बाकी है, नारियल रखने के है, और एक चीज बताती हूँ,
तो ये रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा फ्रिज कैसा लग रहा है, पूरा भरा हुआ। ये देखो ये बॉक्स भी पूरे भरे पड़े हैं इस तरीके से। ये अंदर भी पूरा, ये पूरा मेरा ड्राई फ्रूट में रखती हूँ इस ड्रॉवर में। और ये देखो अंडे मैंने लगा दिए, ये सब कैसा लग रहा है देखो, पाव से पकड़ रही हूँ। ये देखो ये नीचे से लेके ऊपर तक अच्छा लग रहा है ना। ये देखो कितने सारे एशियंस वगैरह सब कुछ, तो माशाल्लाह बोलो मेरे फ्रिज को, है ना नानू जी। और दूसरी बात, रुको पापा, ये देखो अभी तो कितना सारा सामान मेरा लगाने का बाकी भी है, तो जैसा जैसा होते जाएगा लगाती जाऊंगी, अभी बहुत थक भी गई हूँ। ये हो गया नीचे का, अभी मैं बताती हूँ ऊपर। ऊपर देखो माशाल्लाह ना, अंदर तक पूरा भर चुका है, पूरा अंदर तक भर चुका है। कैसे कैसे लगाया है मैंने एडजस्ट करके, मुझे ही पता है। माशाल्लाह बोलो। हाँ अभी जो आप लोग ने पूरा वीडियो देखा वो मैंने 2 दिन में काम किया है, मतलब 20 को डिमांड। और कल के वीडियो में आपको पता चलेगा कि कल के वीडियो में हम लोग कहाँ गए, इसके लिए मुझे वो सुबह को भी टाइम नहीं मिला। फिर जो जो टाइम जितना जितना मिलता था उसके अंदर मैंने वो सब कुछ एडजस्ट किया है और वीडियो बनाया है। तो बस अभी ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि काम मेरे ख़त्म ही नहीं हो रही है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बहुत ज़रूरत है। और अस्सलाम वालेकुम।